अभी 3 दिन पहले 27 फरवरी 2023 को सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से 14वीं किस्त को डाला गया था, जिसमें से काफी सारे ऐसे पीएम किसान सम्मान निधि धारक हैं जिनके अकाउंट में 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं मतलब ये कोई भी इंस्टॉलमेंट अभी भी उनके अकाउंट में नहीं आ पाई है, जबकि उनके किसान सम्मान निधि के अकाउंट को चेक करके देखा गया है कि उनके अकाउंट में कोई भी इशू नहीं है। ईकेवाईसी भी प्रॉपर हो रखी है, लैंड सीडिंग भी हो रखी है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी हो रखी है, उसके बावजूद भी एक एरर आ रहा है जो कि है FTA प्रोसीड नो, यानी कि आपके अकाउंट पर भी अगर FTA प्रोसीड नो का एरर लिखा हुआ आ रहा है तब आपको क्या करना चाहिए, जिससे कि आपके अब तक जितनी भी किस्तें रुकी हुई है वो तुरंत की तुरंत आपके अकाउंट में डाल दी जाए गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा आपको क्या करना होगा, आज की इस वीडियो में हम आपको इसका पूरा प्रोसेस बताने वाले हैं। दोस्तों मेरा नाम है बिलाल खान और आप देख रहे हैं स्मार्ट शॉप। अगर आपकी भी पीएम किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त नहीं आ पाई है और आपकी पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट में FTO प्रोसीड नो लिखा हुआ आ रहा है जिसके कारण आपकी 14वीं किस्त नहीं आई है, तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसकी वजह बताने वाले हैं और ये भी बताएंगे कि कैसे आप FTO प्रोसीड को यस करा सकते हैं और जिससे कि आपका जो पैसा रुका हुआ है वो आपके खाते में गवर्नमेंट की तरफ से डाल दिया जाए। इसके लिए मैं आपको अपने कंप्यूटर सिस्टम पर लेकर चलता हूं, जहां पर मैं आपको एक अकाउंट को ओपन करके दिखाऊंगा और आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि क्या आपको करना होगा और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो जाती हैं जिसकी वजह से आपका FTO नो रह जाता है। तो चलिए एक बार सिस्टम पर लेके चलते हैं और आपको दिखाते हैं। तो अभी आप सिस्टम पर देख सकते हैं कि हमने अभी एक पीएम किसान सम्मान निधि के अकाउंट को यहां पर लॉगिन कर रखा है और यहां पर आप देख सकते हैं कि FTO प्रोसीड नो लिखा हुआ आ रहा है और यहां पर एक रेड कलर में क्रॉस का निशान बना हुआ है और ये देखिए 14वीं किस्त भी अभी इनकी पेंडिंग में है। इससे पहले हम इस अकाउंट की एलिजिबिलिटी स्टेटस को चेक कर लेते हैं, जहां पर आप देखेंगे कि यहां पर इनकी लैंड सीडिंग भी प्रॉपर हो रखी है, यस लिखा हुआ है और यहां पर ग्रीन टिक भी लगा हुआ है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस भी यहां पर इनका ओके है, ग्रीन टिक लगा हुआ है, यस लिखा हुआ है, ईकेवाईसी स्टेटस भी यहां पर इनके बिल्कुल ओके है। मतलब ये तीन मैंडेटरी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही कंपलसरी हैं आपकी किस्त के आने में। अगर ये तीनों में से कोई भी आपका रेड होता है, क्रॉस का निशान लगा हुआ होता है, तो समझ सकते हैं कि यहां पर आपको एक बड़ी समस्या आने वाली है। लेकिन यहां पर कोई भी इशू यहां पर इनका नजर नहीं आ रहा है, लैंड सीडिंग भी ओके है, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग भी ओके है, ईकेवाईसी भी इन्होंने 2021 में करवा रखी है, कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी FTA प्रोसीड नो क्यों लिखा हुआ है, यह सबसे बड़ा सवाल बनता है आप सभी के लिए। बहुत सारे किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हैं जिनका सब कुछ ओके है, उसके बावजूद भी FTO प्रोसीड नो लिखा हुआ होता है। अमूमन ये देखा गया है कि FTO प्रोसीड नो तभी होता है जब इन तीन ऑप्शन में से कोई भी आपका इनकम्प्लीट रह गया हो, लैंड सीडिंग ना हुई हो, बैंक अकाउंट सीडिंग आपका, आधार बैंक अकाउंट सीडिंग स्टेटस आपका नो हो और ईकेवाईसी आपने ना कराई हो, तभी आपका FTO प्रोसीड नो होता है। लेकिन इस केस में मैं आपको बता दूं, होता यह है कि यहां पर आपकी कोई भी इशू आपको नजर नहीं आ रहे हैं, बट आपको पेमेंट नहीं आई 14वीं किस्त की, FTO प्रोसीड यहां पर नो लिखा हुआ है। तो अब हम बात करते हैं कि FTO प्रोसीड यस को कराने के लिए आपको क्या करना होगा, जिससे कि तुरंत की तुरंत आपके अकाउंट में पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा आ जाए और ये जितनी भी किस्तें आपकी रुकी हुई हैं वो सारा का सारा पैसा आपके अकाउंट में गवर्नमेंट की तरफ से क्रेडिट कर दिया जाए। तो अभी मैं आपको बता दूं कि अगर आपके अकाउंट में भी कुछ ऐसी ही पोजीशन है, ऐसी स्थिति अगर आपके अकाउंट की भी है कि जैसे आपके यहाँ पर तीनों ऑप्शन यस हैं, यहाँ कोई भी समस्या आपको नहीं दिखाई दे रही है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, अब आपको यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, कहीं पर भी आपको नहीं जाना है। कुछ लोगों का मानना यह है कि भाई DM ऑफिस जाएं या कहीं और जाएं जहां पर हमारी ये समस्या का समाधान हो सके, आपको कहीं पर भी जाने की जरूरत नहीं है। FTO प्रोसीड को यस करने का जो काम है वो गवर्नमेंट का है, यानी कि आपके आपके अकाउंट के लिए पेमेंट अभी वहां से प्रोसीड नहीं की गई है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से यहां पर नो लिखा हुआ आ रहा है। कभी कभी यह भी होता है कि गवर्नमेंट के पास फंडिंग कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से कुछ पीएम किसान सम्मान निधि धारक ऐसे हो रह जाते हैं जिनका नाम लिस्ट में नहीं आ पाता है पेमेंट डालने के लिए, तो यहां पर उनका FTO प्रोसीड नो लिखा रहता है। FTO प्रोसीड को यस करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर यस करने का जो काम है वो गवर्नमेंट का है। गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही पेमेंट को आपके लिए प्रोसीड किया जाएगा, यहां पर ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि अगर यहां पर कोई भी प्रॉब्लम रहती तो यहां पर आपका रीजन में लिखा हुआ होता कि आपके बैंक अकाउंट आधार सीडिंग नहीं है, आपकी लैंड सीडिंग नहीं है, ईकेवाईसी आपने नहीं कराई है, बट यहां पर कुछ भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है, तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि आपको आप कुछ नहीं करने का है, आपको आपके अकाउंट में कोई भी इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको थोड़ा सा वेट करना होगा या आप अगली किस्त के आने तक का वेट कीजिएगा। डेफिनेटली आपके अकाउंट में पेमेंट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोसीड की जाएगी और यहां पर ऑटोमेटिकली यस हो जाएगा। इन भाई साहब को जो किस्तें नहीं मिली हैं वो 12वीं 13वीं
2014 में ये तीन किस्तें उनके अकाउंट में नहीं आ पाई है और सीधे सीधा रीजन मतलब यही है एफटीओ प्रोसीड नो यहां पर लिखा हुआ आ रहा है। तो 12वीं 13वीं 14वीं और 15वीं ये चार किस्तें इनके अकाउंट में डायरेक्टली एक साथ आ सकती हैं गवर्नमेंट की तरफ से। तो इस प्रकार से काफी सारे बेनिफिशियरी हैं जिनके तीन चार किस्तें अभी भी नहीं आई है, उनके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, एफटीओ प्रोसीड की वजह से उनको वेट करना पड़ रहा है। बस आपको कुछ नहीं करना है, वेट ही करना है। उसके बाद आप देखिएगा जैसे ही नेक्स्ट नंबर आएगा अगली किस्त का, डेफिनेटली सारी की सारी किस्तें आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएंगी। जैसे कि आपने समझा कि आपके पीएम किसान सम्मान निधि अकाउंट में लैंड सीडिंग, ई केवाईसी और आधार सीडिंग ओके है, प्रॉपर है, तो आपको एफटीओ की बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एफटीओ प्रोसीड नो में आप कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट को करना होगा। अगर आपके अभी तक 14वीं किस्त नहीं आई है तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए, हो सकता है कि 15-20 दिन का इसमें टाइम भी लगता है। जब भी गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट को प्रोसीड किया जाता है, पेमेंट ऑर्डर की जाती है आपके अकाउंट में डालने के लिए, तब मैक्सिमम 15 दिन का भी समय लग जाता है, तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अदरवाइज अगर 15-20 दिन के अंदर भी पेमेंट आपकी नहीं आती है तो नेक्स्ट टाइम में जब भी अगली किस्त यानी कि 15वीं किस्त डाली जाएगी सभी पीएम किसान सम्मान निधि धारकों के अकाउंट में, उस टाइम आपके अकाउंट में ये पैसा आ जाएगा। क्योंकि लैंड सीडिंग, ईकेवाईसी और आधार सीडिंग अगर ओके हैं, वहां पर आपका यस बना हुआ है और ग्रीन टिक लगा हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कि आपके अकाउंट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो जानकारी मैंने दी है, आई होप आपको काफी अच्छी लगी होगी। अगर आप पहली बार हमारे स्मार्ट शॉप यूट्यूब चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपसे किसी और एक अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नई अपडेट के साथ और एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।